यस, 11th क्लास के मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था। एक रेक्टेंगुलर लेमिना ऑफ मास एम, बेस बी एंड हाइट एच, इसको ओ ए बी, ओ से जाने वाली एक्सिस जो कि प्लेन ऑफ लेमिना के परपेंडिकुलर है, के अबाउट से लेमिना को घुमाएंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? प्यारे बच्चों, किसी का भी जवाब सही नहीं था और आप ये खुद भी जानते थे कि गलत हो रहा है। इस कारण फिजिक्स में हमेशा एक सुकून चाहिए और इस बात की तसल्ली चाहिए कि हमें बेसिकली सारी बातें पता हैं, बेसिकली सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप 11th 12th के साथ साथ ही कॉम्बिनेशन बड़े आराम से कवर कर सकते हो, बहुत आराम से, लाखों रुपए दे के भी नहीं कर सकते अगर आप 11 से ही सोच लें। और आपकी स्थिति जो है ना इस वक्त, ये कॉन्सेप्ट्स लगातार क्लियर हो रहे हैं और आप पूछते भी हो, यही पर्याप्त है, बस सफिशियंट, तगड़े से तगड़े कंपटीशन को पार करने के लिए इन्हीं की जरूरत है बस। बाकी सेल्फ स्टडी, धुआंधार क्वेश्चन करो खूब सारे, क्योंकि उसे करने के हथियार आपके पास हैं। ओके, यहां ध्यान दें। एक बच्चे ने पूछा भी था कि सर एक हिंट दे दो, रोहन कुमार। तो बालक, मैंने आपको हिंट भी दिया था कि ओ बी के रिस्पेक्ट में घुमा लो, ओ ए के रिस्पेक्ट में घुमा लो, ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर हैं इस प्लेन, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसके अबाउट अगर घुमाओगे तो इन दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में घुमाने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, उसके प्लस कर दो। पर तीन एक्सिस तो नहीं, दोनों परपेंडिकुलर तो हैं, लेमिना में ही है, और तीसरे इसके परपेंडिकुलर जिसके रिस्पेक्ट में मैं मांग रहा हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो, तब इसके रिस्पेक्ट निकाल दो, इसके रिस्पेक्ट निकाल दो, जोड़ दो, इसके रिस्पेक्ट निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। पर इसके रिस्पेक्ट में निकालना भी तो ठीक है, डिफिकल्ट है। तो देख, हमारा पूरा फोकस होगा, हम ओ बी के रिस्पेक्ट में घुमाएंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। अब जब ओ बी के रिस्पेक्ट में घुमा रहे हैं तो देखो, टिंग 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 टिंग, बारीक बारीक कट काम कट मार दो उसमें, टिंग 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 टिंग। और ये इंडिविजुअल पार्ट्स को देखो तो रॉड्स हैं, तमाम रॉड्स घूम रही हैं, एक छोटी उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी, तमाम रॉड्स घूम रही हैं। और रॉड का तो आप जानते हो, एक रॉड का निकाल लो बस किसी तरह से, इस रॉड का निकाल लो जो एक्स डिस्टेंस पर है और कितनी चौड़ी है, डीएक्स। जब पूरा ट्रायंगल घूमेगा ओ बी के रिस्पेक्ट में, जब पूरा ट्रायंगल घूमेगा तो ये रॉड घूमेगी, वो भी एक एंड से जाने वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एंड के रिस्पेक्ट में घुमा रहे हो, ML² / 3, इसका मास भी निकालना है और लंबाई भी निकालनी है। तो आराम से आप देख सकते हो, अगर टेन अल्फा हुआ तो एच अपॉन बी होगा टेन अल्फा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसी लंबाई वाई मान लो, टेन अल्फा इज एच अपॉन बी और यही टेन अल्फा इज बेस अपॉन दिस, वाई अपॉन एक्स, फटाफट वाई निकाल दो, वाई इज इक्वल टू एच अपॉन बी इंटू एक्स, एच और बी कॉन्स्टेंट है, अलग अलग रॉड्स के लिए एक्स अलग अलग होगा,
ठीक है, मास निकालो फटाफट, एलिमेंट्री मास, एलिमेंट्री मास या मास ऑफ दिस एलिमेंट, देखिए एम मास पूरे रेक्टेंगुलर का था, ठीक है, कितना एरिया था पूरा पूरा का, हाफ इंटू बी इंटू एच, ये एरिया है, इतना एरिया का मास एम था, यूनिट एरिया का मास इतना हो गया, ये हो गया यूनिट एरिया का मास, और इंटू इसका एरिया कितना है, वन इंटू डी एक्स, वन इंटू डी एक्स रेक्टेंगल हुआ ना। अब ये मत कहना ऊपर से तो टेढ़ा है, अगर आज आप इसको रेक्टेंगल नहीं मान रहे हो, ऊपर से टेढ़ा मान रहे हो, तो इसका मतलब और डीएक्स की महिमा को नहीं समझे। डीएक्स आप एक गन्ना सुगर कैन को काटो इन ट्रैप तो उसका ट्रैप दिखाई देगा, पर सिर का बाल इसको टेढ़े में काटोगे दिखाई नहीं देगा, और डीएक्स तो सिर के बाल से भी बहुत छोटा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो इतना एरिया यानी इसका एरिया ये, तो इस रॉड का मास एलिमेंट यूनिटरी मेथड से ये आ गया, ओके, टू एम अपॉन बी एच, टू एम अपॉन बी एच वाई डी एक्स, और वाई की वैल्यू एच अपॉन बी एच इंटू डी, तो ये हो गया आपके पास एस से एस कैंसिल, टू एम अपॉन बी स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये इसका मास है, इस रोड का मास, जब पूरा ट्रायंगल घूम रहा है तो इस रोड के ऊपर ध्यान दो, रोड भी घूम रही है एक एंड के रिस्पेक्ट में, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट अबाउट ओबी, ओबी स्ट्रेट में केवल इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एल स्क्वायर अपॉन थ्री, एम एल स्क्वायर अपॉन थ्री, ये मास फॉर्मूला होता है, कितना मास आया इसका एलिमेंट इस रॉड का, 2m अपॉन बी स्क्वायर एक्स डी एक्स, एम एल स्क्वायर लंबाई कितनी है इसकी, y स्क्वायर अपॉन 3, m y स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है, दिख रहा होगा, हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है, इज इक्वल टू टू एम अपॉन थ्री बी स्क्वायर और एक्स इंटू, चलो डीएक्स भी लिख दो, और वाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर y स्क्वायर वैल्यूएट सब इज इक्वल टू, ये x क्यूब डी एक्स है वेरिएबल बाकी सब कॉन्स्टेंट है, इधर लिया 2m h स्क्वायर अपॉन 3b रेस पावर 4, 2m h स्क्वायर अपॉन 3b पावर 4 x क्यूब dx, ओके okay? इतना आप वीडियो को दोबारा देख के नोट कर लेना कि मुझे मिटाना पड़ेगा, ये आ गया, इसके बाद यहां देख लीजिए ये चल रहा है आपका, ये यहीं देखिए, देयरफॉर यहां देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पूरा लेमिना, ऑफ लेमिना अबाउट ओ बी आई ओ बी, ओ बी स्टूडेंट पूरे लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया
कैसे निकाल दोगे? इसका जो निकला उसका इंटीग्रेशन कर दो बस, तो सारी रॉड्स का मोंटोमेरियन से ऐड हो जाएगा और पूरे लैमिना का निकल जाएगा। 2m h स्क्वायर अपॉन 3b रेस पावर 4 x क्यूब dx। ये रॉड पहली रॉड कहां लेनी जहां x की वैल्यू बिल्कुल जीरो थी, ये रॉड प्लस अगली रॉड प्लस अगली रॉड प्लस अगली रॉड करते करते सबसे आखिरी रॉड कौन सी पड़ेगी जहां x की वैल्यू पूरी b हो जाएगी। तो सारी रॉड का अमाउंट ऑफ इनर्शिया प्लस हो, अंडरस्टैंड? यही वेरिएबल बस, बाकी सब बाहर निकाल दो। 2m h स्क्वायर अपॉन 3b रेस पावर 4 और x रेस पावर 4 अपॉन 4 0 टू b। ओके, आपकी ये भी एक पूरा आ रहा है। इज इक्वल टू 2m h स्क्वायर अपॉन 4 बाहर आएगा, 4 दिया 12 b रेस पावर 4, पहले b रखोगे b पावर 4 माइनस 0 पावर 4, तो केवल b पावर 4 बच जाएगा, b पावर 4 विच इज कैंसिल। ये आ गया आपके पास m h स्क्वायर अपॉन 6, m h स्क्वायर अपॉन 6। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अगर ये ट्रायंगल ओबी रिसेट में घुमाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप कहोगे इतना लंबा क्वेश्चन, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन 2-3 लाइन का रह गया बस, क्योंकि जब आप इसके रिसेट में घुमाओगे तो वही ट्रायंगल तो घूम रहा है, बस एस का काम बी करेगा, बी का काम एच करेगा, दैट्स ऑल। तो सिमिलरली सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ ए, ओ ए के स्टूडेंट घुमाओगे तो जो काम यहां एच कर रहा था वो काम अब बी करेगा। एम बी स्क्वायर अपॉन 6, ठीक है। So, required moment of inertia, इसके स्टेट पूछ रहा है फाइनली, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसके स्टेट में इसके स्टेट में जा रहा था उनका सम, आई ओ ए प्लस आई ओ बी, लिख देना अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्स। तो कितना निकला, एम एच स्क्वायर बाई 6 प्लस एम बी स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू एम बाई 6 कॉमन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिख रहा होगा सारा का सारा? हाँ जी, ठीक है ठीक है। तो ये था जी बेहतरीन क्वेश्चन, और कंपटीशन में इससे नीचे ही आना है, कोई सा भी कंपटीशन ले लो इससे नीचे ही आना है, इससे ऊपर नहीं आए। हाँ, क्वेश्चन इससे ऊपर बहुत है, आप मन लगा के करें क्वेश्चन, क्वेश्चन करते रहोगे तो कई राज खुलते रहेंगे। प्यारे बच्चों, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए शब्द नहीं होते, और आप बहुत गहराई में उतर जाएंगे क्वेश्चंस के, तो एक ऐसा योग ऐसा कनेक्शन हमारे बीच में बनेगा कि मैं कहना चाहूँगा कह नहीं पाऊँगा, आप समझ जाओगे, मुझे पता चल जाएगा कि आप समझ गए। कुछ ऐसी स्थिति आती है जब आप बहुत उच्च तपस्या करोगे। ओके बच्चों, तो कंटिन्यू रखो, अगली वीडियो आएगी आपके पास द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास, या तो उसी में ही अगली वीडियो आएगी। तैयार हैं? तब तक रोटेशनल मोशन के न्यूमेरिकल्स, जिसमें रोटेशन काइनेटिक एनर्जी वाली बात अभी किसी भी बच्चे ने नहीं पूछी, करें एक एक क्वेश्चन चुन चुन के करें। कभी मैं आपको कह रहा था
कि रोटेशन मोशन से बचा के चल रहा हूँ। काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स लॉज ऑफ मोशन में छुड़वा देता मैंने कि एक शादी बताऊंगा। बच्चों उस वक्त रोटेशन मोशन पूरा बचा हुआ था और आज ये बिल्कुल एंड पे है। फिजिक्स खत्म हो जाएगी धीरे धीरे और आप बाद में पछताने वाला काम ना रह जाए आपके पास कि ओफो क्यों नहीं कर लिया था जल्दी। और होगा ऐसा, ऐसा होगा तो लास्ट टाइम पे आपके पास क्वेश्चन आएंगे या बिल्कुल जेईई का पेपर देने बैठे हुए हो और बहुत पछताओ कि ये तो क्वेश्चन हमारे लिए उल्टे हाथ के थे, क्यों नहीं सही टाइम पे कर लिए। तो मैं कह रहा हूँ ना पहले से ही, कैसे टाइम आएगा विश्वास रखो मेरे ऊपर, झूठ नहीं बोलूँगा। इसलिए जितनी ताकत है न्यूमेरिकल्स में लगा दो। ओके, जय हिंद।